Next, density of an ideal gas at 2 atm and 300 kelvin is 2 gram per liter. Calculate the relative density of this gas with respect to neon gas at the same condition. तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस इक्वेशन से हमें जो दिया गया है कि इसी कंडीशन में हमें रेस्पेक्ट टू नियॉन निकालना है, तो हम पहले नियॉन गैस का जो डेंसिटी है वो निकाल लेंगे। आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इससे हम डेंसिटी जब निकालना चाहेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा पी इंटू द मोलिकुलर मास बाय आर इंटू टी। यहाँ पे पी की वैल्यू आपको दी है 2 atm, फिर एम जो आपका नियॉन का होगा वो होगा 20, आर की वैल्यू दी गई 1/12 और टी जो है 600 केल्विन। अगर आप डेंसिटी ऑफ नियॉन निकालना चाहेंगे तो आपका नियॉन की डेंसिटी आपको निकलेगी 0.8 ग्राम पर लीटर, ये आपकी निकलेगी डेंसिटी नियॉन की। फिर हमें जो आइडियल गैस है उसकी डेंसिटी हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो है आपका 2 ग्राम पर लीटर, तो हमें अब उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो देयरफॉर आप जैसे रिलेटिव डेंसिटी हम निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2, दैट इज उसकी खुद की डेंसिटी बाय नियॉन की डेंसिटी, एंड एफ इट वुड बी इक्वल टू 2.5 ग्राम पर लीटर, दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट।